सकते हो क्या अमेजिंग अमेजिंग रास्ता है ये, और ये इन द मिडल ऑफ साउथ दिल्ली, दिस इज अनबिलीवेबल। और बारिश के बाद तो ये जगह और ही ऑसम हो जाती है, आप देख पा रहे हो। चेक आउट द स्टेयर्स, चेक आउट द स्टेयर्स गाइस, वेरी केयरफुल, स्लिप ना हो जाओ। चेक आउट द जंगल, इट्स लिटरली जंगल इन द मिडल ऑफ साउथ दिल्ली। इस स्टेयर के ऊपर से आए थे एंड इट्स काइंड ऑफ स्केरी, जैसा कि अभी मौसम हो रहा है बिल्कुल बारिश के बाद, इट्स काइंड ऑफ स्लिपरी स्लिपरी स्टेयर, बट या वेयर इन द मिडल ऑफ द जंगल। एंड जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो काफ़ी सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल पास से दिखाऊँ उन बर्ड्स को। पहले ये ओपन होता था, पहले ये रेलिंग वगैरह नहीं होती थी यहाँ पे, मैं काफ़ी टाइम पहले आया हूँ यहाँ पे, तो पहले रेलिंग वगैरह नहीं होती थी और ये पूरा पानी से भरा होता था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं, आई होप सब लोग ठीक होंगे। कल रात को बारिश आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूं जो बारिश के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो गेस एनी गैसेस, बैकग्राउंड देख के कुछ लग रहा है आपको कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं हूँ संजय वन में जो वसंत कुंज से बिल्कुल पास है। तो आज मैं आपको संजय वन दिखाऊँगा कि कैसा लगता है। मैं बहुत पहले यहाँ पर आया था बट कल बारिश आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस जगह ज़रूर दिखानी चाहिए। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, इट्स लिटरली अ जंगल इन बिटवीन अ मेट्रो सिटी। सो यू गाइस डेफिनेटली, अगर आप क्लोज बाय रहते हो वसंत कुंज के, तो यू गाइस शुड डेफिनेटली कम एंड संजय वन इज़ डेफिनेटली अ प्लेस टू एक्सप्लोर। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि संजय वन कैसा लगता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस वुड बी द राइट टाइम टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन एज वेल, कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ डू लाइक इफ द वीडियो इज़ ओके, इफ़ यू डोंट लाइक प्लीज़ एज आई सेड डिसलाइक द वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज़ डू लीव अ कॉमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो, और अगर आप कोई भी कोई नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो अराउंड साउथ दिल्ली है अगर आप मेरे थ्रू एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो प्लीज़ डू लीव अ कॉमेंट ऑन इट। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, अभी हम संजय वन के जॉगिंग ट्रैक में आ चुके हैं। सो यहाँ से जॉगिंग ट्रैक शुरू होता है संजय वन का, आप देख सकते हो बहुत ही मतलब इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। आसपास बस आपके जंगल है और बीच में जॉगिंग ट्रैक, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने पहले हम आते थे यहाँ पे जॉगिंग करने, तो यहाँ पे मैंने फॉक्स भी देखा हुआ है और यहाँ पे नील गाय वगैरह तो आम तौर पे दिखती रहती हैं। होपफुली अगर आज कुछ कोई नज़र आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। सो दिस इज़ आवर जॉगिंग ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। पता नहीं कैमरे से कैसा लगेगा बट लाइव देखने में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कि वो पूरा एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है और उसमें पूरे उन्होंने बीच में फ्लावर्स लगा रखे हैं। सो दैट इज़ समथिंग वेरी क्रिएटिव जो मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है। सो दिस इज़ समथिंग वर्थ वाइल और आप आके इसको चेकआउट कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्मॉल लिटल जर्नी ऑफ संजय वन एंड लेट मी शो यू द मेन जॉगिंग ट्रैक एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट मेन पार्ट ऑफ नॉट मेन पार्ट बट यहाँ पे सारी रोड्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो ये वाली रोड आ रही है ये सीधा वसंत कुंज के रास्ते से सीधा सीधा अंदर आएंगे तो ये आ जाएगा। जहाँ से मैं आया हूँ ये किशनगढ़ का रास्ता है जो किशनगढ़ के अंदर से आता है, और ये दो रास्ते हैं जो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। एंड दैट डिस्टेंस इनटू एन अमेजिंग जॉगिंग ट्रैक। तो यहाँ पे आप जॉगिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो। सो गाइस अप क्लोज ये ऐसा दिखता है, जस्ट चेक द व्यू। So beautiful. ये दिस इज़ द सेंटर ऑफ द संजीवन पार्क। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड रिलैक्सेशन सब चल रहा है। सो दिस क्वाइट नाइस प्लेस, आप एक्सरसाइज के बाद आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। एंड लुक एट दीज़ एथलीट्स। This is an awesome place. At least you guys should come at least once to visit and check this out. Hey guys, thank you very much video को end तक देखने के लिए। I hope जो भी अभी तक मैंने आपको दिखाया आपको पसंद आया होगा। जैसे मैंने पहले ही आपसे बोला था कि please do leave a comment, leave a like or dislike, whatever you feel, do that. And that will definitely, you know, मेरे को और सिखाएगा और मेरे को और अच्छे videos बनाने में मेरी मदद करेगा। So yeah, thank you very much again. जो आपने last videos पे जो प्यार दिखाया है, so please keep on supporting me and that will definitely encourage me. And hopefully we'll see you on the next side when I come back with a new video. So stay tuned. चलिए guys, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Last but not least, I'll leave a last shot. जिस स्टेयर्स अभी हम आए थे उस स्टेयर्स की मैं नीचे से वापस एक शॉट डालता हूँ। सो एंजॉय द शॉट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।